अभी तो अलग खर्चे वकील रूम पहले कर सकते हैं या किसी को भी ले सकती हूँ। पहले था हमारे यहाँ पैनल था, अब तो फिक्स करके कौन है फिक्स तो मैं हूँ। ठीक है, कितने वकील यहाँ पे अपॉइंटेड है? दो वकील। हाँ नहीं, ऐसा जो जो क्लाइंट आता है जिस कोर्ट में खड़ा होता है उसको वो सबसे पहले जेसीबीसी जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा तो वो पूछेंगे कि आपका कोई एडमिट वगैरह है, तो वो कहेगा कि मेरा नहीं है, तो उसके लिए विधिक सहायता से एक यहाँ से बेसिकली जो अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 39(a) के तहत निशुल्क विधिक सहायता अर्थात कोई भी व्यक्ति आर्थिक निर्धनता के कारण न्याय से वंचित नहीं रहे। ठीक इसी तरह आर्टिकल 14 का भी इसमें समावेश है, समानता का अधिकार। जो व्यक्ति विधिक सहायता के लिए पात्र है उन्हें सरकार की तरफ से अभ्योजन विभाग के समानांतर दूसरा एक कार्यालय यहाँ पे खोला गया है जिसमें चीफ लीगल एंड डिफेंस ऑफिस कार्यालय में सभी फाइलों का कंप्यूटर में निर्धारण होगा, कंप्यूटर में कंप्यूटर द्वारा संधारित की जाएगी। और इसमें जब भी बेल एंड रिमांड के स्टेज पर भी जब भी अभियुक्त गिरफ्तार होगा उसी के साथ कोर्ट से हमें सूचना मिलेगी और ये चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अपने असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के साथ में अभियुक्त की तरफ से पैरवी करेंगे और किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसमें संवैधानिक अधिकारों की पालना हुई है अथवा नहीं है, अगर उसको जमानत की है तो जमानत की अर्जी ये लगाएंगे। और ये एक समानता के अधिकार के तहत बहुत ही अच्छा कदम मैं कह सकता हूँ। थैंक यू।